हेलो दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो आज ये वाले जो व्लॉग है इसमें स्पेशल सेरेमनी में आप लोगों को दिखाऊंगा, जो वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट के जस्ट अपोजिट साइड में, उसकी एक स्पेशल सेरेमनी आप लोगों को दिखाऊंगा। उसको मैं पिछली वीडियो में इसे नहीं ऐड कर पाया था क्योंकि यार उसकी वजह से वीडियो जो है बहुत बड़ी हुई थी, इसे मैंने सोचा इसको नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे वीडियो के, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट है, एक स्पेशल सेरेमनी हो रही है वहाँ पे, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने पूरी यहाँ पर बनाई है। तो इसको पूरी देखो, आराम से पूरा इन्जॉय करो पूरा मूवमेंट को, और वीडियो के बाद बताना नीचे कमेंट करके कैसा लगा। ना देखो यहाँ से भी एंट्री हो गई मेरी, ये भाई इधर व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, इधर से एंट्री हो गई देखो, यहाँ पे पूरे इधर फाउंटेन्स लगे हैं, इस तरफ फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और ये है हमारा वॉर मेमोरियल जहाँ पर सारे शहीदों के नाम लिखे गए हैं। आप लोग नीचे हो जाइए, मैडम नीचे हो जाइए प्लीज। राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की संकल्पना 4 संकीर्ण वृत्तों पर आधारित है जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक के जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the Armed Forces on behalf of the nation on 25th February 2019. By the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The concept of the memorial is based on 4 concentric circles, which characterizes the journey of a soldier from birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness next of his ceremony. Jai Hind. सैन्य क्रमांक 1037435 है। स्वर्गीय रत्नमय कृष्ण राय, पुत्र श्री धनलाल राय एवं श्रीमती श्री फूल राय जिला राजनीत वेस्ट बंगाल से संबंध रखते थे।
गोरखा वाहिनी प्रादेशिक सेना गोरखा राइफल्स की 182 बटालियन में सेवारत थे। सन 1995 में ऑपरेशन राइना के दौरान उनकी बटालियन विलासिंगपुरा क्षेत्र असम में तैनात थी, जिन्हें राष्ट्रीय विरोधी तत्वों की गतिविधि पर अंकुश लगाने का दायित्व सौंपा गया। विशेष सूत्र के अनुसार दिनांक 28 दिसंबर 1995 को बटालियन की जिम्मेदारी क्षेत्र राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के छिपे होने की गुप्त सूचना थी। बटालियन के सैन्य कार्रवाई के अनुरूप सर्च एवं फॉरन ऑपरेशन का आगाज किया। राइफलमैन कृष्ण राय अदम्य साहस और वीरता को प्रदर्शित करते हुए सैन्य टुकड़ों की अगुवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ आतंकवादियों की संगीत गतिविधि का निरीक्षण किया। अचानक दुश्मन ने अंधाधुंध फायर कर सैन्य टुकड़े को हताहत कर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अब अश्विनी योद्धा राइफलमैन कृष्ण राय ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना जमोली फायरिंग को अंजाम दिया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपरा को प्रदर्शित करते हुए सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों, आज के इस नेक्स्ट ऑफ कीन समारोह में हमारे बीच श्रीमती आशा राय दंपति स्वर्गीय राइफलमैन कृष्ण राय उपस्थित हैं, जो आज अमर चक्र बजरे अमर जवान ज्योति के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के समक्ष वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय हिंद। नंबर 1037-4357 है मेरी कार्यक्रम है कृष्णा राय सनमी लाल राय एंड मिसेस शिरीश कुमार राय वाज अ रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड बिलोंग टू द 107 बटालियन ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी गोरखा राइफल्स। In the year 1995, during Operation Rhino, this battalion was deployed at Vilashipura sector of Assam and was addressed to establish peace and normalcy in battalion's area of responsibility. On the basis of reliable intelligence sources, this battalion launched search and cordon operation in battalion's area of responsibility. On 28 December 1995, while Rifleman Krishna Rai was performing the duties of leading scout, noticed suspicious movement of holy tanks. Sensing the gravity of situation, with utter disregard to his personal safety, he immediately challenged the enemy. Suddenly, his team came under heavy volume of fire from the militants. Despite grievously injured, the gallant soldier Rifleman Rai gave repeated retaliation under line of fire. In this daredevil act of gallantry, he received multiple grievous injuries and made supreme sacrifice in the finest traditions of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, in today's next of his ceremony, we are highly honored to witness the benign presence of Mrs. Asha Rai, wife of late Rifleman Krishna Rai. The Veer Nari will now lay the wreath before Amar Jawan Jyoti at Amar Chakra and will pay her tribute to all the members of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, वर्दीधारी सैल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। और आई रिक्वेस्ट टू स्टैंड इन अटेंशन ड्यूरिंग द फ्लैग लोडिंग सेरेमनी एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड दोज इन यूनिफॉर्म टू सैल्यूट। You are also requested to neither clap nor slogans during the ceremony. Thank you.
श्रीमती आशा राय एवं पत्नी स्वर्गीय रत्नमन कृष्ण राय अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। मिसेस आशा राय और पत्नी रत्नमन कृष्ण राय इज गोइंग टू साइन द विजिटर्स बुक नाउ। देवी और सज्जन समारोह समाप्त हो चुका है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सीढ़ियां चढ़कर राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपने विजिट जारी रखें। तो यार आप लोगों ने सेरेमनी पूरी देखी ली होगी। बहुत ही स्पेशल सेरेमनी होती है यहाँ पे, जिसको आप मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर दिल्ली आएँ तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग ये सेरेमनी ज़रूर देखें। ये देखिए, ये सब यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं सारे शहीद के। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको आते ही लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, डायरेक्टली आपको राइट में नहीं जाना है। लेफ्ट साइड से घूमते हुए ऐसे पूरा घूम के आप तब उस तरफ जाएं। ऑपरेशन पवन ये देखिए, और ये जो बना हुआ है ना इस पे भाई बैठना नहीं है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे भी कोई चीज़ है, मैं इसको आपको चल के दिखाता हूँ। सारी भीड़ इधर ही जा रही है, नॉर्थ कॉम्प्लेक्स एंड नॉर्थ गैलरी। तो देखते हैं क्या है, उसके बाद वापस से इंडिया गेट पर चलेंगे। देख लो पूरा अच्छा लग रहा है भाई, है ना। और यहाँ पे सुवेनियर शॉप है, पर मेरे को तो कुछ अभी लेना नहीं है तो मैं इधर नहीं ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे पता है वीडियोस बनाना भी अलाउड नहीं होता है। फिर भी चलिए एक बार चल के देख लेते हैं, क्या पता अगर बनाने दे तो आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हो सुवेनियर शॉप से। मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली सुवेनियर शॉप में पहुँच के आपको जो है मैं सब चीज़ें दिखाता हूँ। ये मैप देखिए, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हुई थी। ये जितने ब्लू वाले हैं ये सब अपने इंडियन आर्मी वाले हैं, और जितने ग्रीन वाले हैं
वो तो आप समझ ही जाएंगे, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं देखता हूँ सर, यहाँ पे अंदर सुबह नया शॉप पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, तो सर यार मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। बाकी अभी यहाँ से इंडिया गेट की साइड चलते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो यार वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वाली वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।